जय श्री कृष्णा। हम सभी अपने अपने इष्ट को अपने अलग अलग समर्पण भाव के साथ रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर जाके प्रभु के सामने खड़ा होकर प्रभु से पूछता है, प्रभु सभी भक्त कहते हैं प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, मेरे मन में एक प्रश्न है कि आप किसके कितने हैं, कितना कितना हिस्सा, सबके हिस्से आता है। प्रभु ने कोई उत्तर ना दिया, वह व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया। घर गया, उस व्यक्ति के चार बच्चे थे। सभी बच्चों ने कहा, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। उसके चार बच्चों में से एक बच्चे ने प्रश्न किया, पापा अगर आप सभी के हो तो मेरे कैसे हुए, और अगर सबके हो भी तो सबके कितने कितने हो। वह व्यक्ति फिर से दुविधा में आ गया। वही व्यक्ति स्कूल में टीचर भी था। स्कूल में उसकी क्लास में 50 बच्चे थे। उनमें से भी एक बच्चे ने पूछा, टीचर जी आप सभी को कहते हो कि तुम सब मेरे बच्चे हो, अगर हम सब आपके बच्चे हैं तो आप किसके कितने हो। वह व्यक्ति फिर दुविधा में आ गया। वह सोचने लगा, दो चार दिन में कुल गुरु आएंगे और उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर पाऊंगा। इसी प्रकार दो चार दिन बीत गए, वह कुल गुरु आए। कुल गुरु से उस व्यक्ति ने यही प्रश्न किया। कुल गुरु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुमने बहती हुई नदी देखी होगी, उस नदी में से चींटी भी, पक्षी भी, हाथी भी, बकरी भी, शेर भी, और हम सभी उस नदी में से जल ग्रहण करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। उसी प्रकार परमेश्वर ईश्वर अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हम जितना प्रभु का नाम जपते हैं, जितना उनका चिंतन करते हैं, जितना हमारा उनके प्रति समर्पण भाव है, उतना ही प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की भक्ति पाते हैं। वह व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, गुरुदेव मैं जान गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो रही है, मेरे ऊपर कम कृपा है। हमारा समर्पण भाव कम है, उस व्यक्ति का समर्पण भाव ज़्यादा है जिसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो रही है प्रभु की। उसके ऊपर प्रभु का ज़्यादा आशीर्वाद है, उसे प्रभु भक्ति ज़्यादा मिल रही है। तो किसी न किसी प्रकार अपनी भक्ति बढ़ाइए, प्रभु नाम जपना बढ़ाइए, स्वयं प्रभु का आशीर्वाद बढ़ जाएगा आपके समर्पण भाव अनुसार। जय श्री कृष्ण।